हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है फेशियल एट होम। आप घर पे फेशियल कैसे कर सकते हो, पार्लर लाइक ग्लो कैसे पा सकते हो घर पे। तो मैं यूज करने वाली हूँ शहनाज हुसैन का गोल्ड फेशियल किट, और इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सपायरी डेट प्राइस सब कुछ मेंशन किया हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे यूज करना सब कुछ पीछे में मेंशन किया हुआ है, एक बार आप रीड कर लेना। और इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह सी है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, डबल लेयर पैकेजिंग है, और ये ट्यूब फॉर्म में आता है तो बहुत ही अच्छा होता है अप्लाई करने में, बिल्कुल भी मैसी नहीं होता ये चीज़। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाली हूँ कि आप इस फेशियल को कैसे कर सकते हो, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, फेशियल करने से सबसे पहले आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपके फेस पे कोई मेकअप कोई स्किन केयर नहीं होना चाहिए। तो मेरा फेस अभी बिल्कुल क्लीन है। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग का। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 24 कैरेट गोल्ड स्क्रब, और इसे आपको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करना है और मसाज करते रहना है, क्योंकि आप फेशियल में जितना मसाज करोगे उतना ही आपको अच्छा सा आपके फेस पे ग्लो आएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। फेशियल का मेन चीज़ होता है मसाज, आप जितना मसाज करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको अच्छे से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में लाइट हैंड की हेल्प से आपको मसाज करना है। और इससे पहले मैंने VLCC वाला फेशियल किट का फुल रिव्यू दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देखो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वाला भी आप लोग रिक्वेस्ट पे ही है। बेसिकली हम लोग को फेशियल नहीं करना चाहिए, 25 के बाद ही करना चाहिए, पर आप लोगों ने इसका रिव्यू मांगा था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मैं फेशियल नहीं करती हूँ। और आपको अच्छे से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है, और आप देख सकते हो इसमें आपको छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स भी मिलेंगे, बहुत ही इसका माइल्ड स्क्रब है। देन इसी तरह आपको अपने फेस पे 5 मिनट तक का सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए स्क्रब करना है। देन आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना अच्छे से। सो गाइस, तो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। देन हम चलते सेकंड स्टेप की तरफ। तो ये है प्रोफेशनल पावर स्किन टोनिंग, आई थिंक ये टोनर है, और ये स्प्रे फॉर्म में आता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसे आपको अपने फेस पे स्प्रे करना है, और आपको कुछ देर के लिए इसे छोड़ देना ताकि वो आपके फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और ध्यान रहे कि आपको ये अपने आइज़ के अंदर, आपके आइज़ के अंदर ना जा पाए, क्योंकि फिर आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके इरिटेशन होगी आपके आइज़ में, तो आप इसे अवॉइड करना अपने आइज़ एरिया के पास। और इसी तरह आपको अपने फेस पे 10 मिनट तक लगा रहने देना है ताकि वो आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और सूख जाए आपके फेस पे। और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, और ये गुलाब जल की तरह स्मेल कर रहा है, और हम इसी तरह अपने फेस पे 10 मिनट तक लगा रहने देंगे ताकि वो अच्छे से हमारे फेस में सूख। हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो ये है मॉइस्चराइजर क्रीम, और इसे अपने फेस पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है और अपने फेस को मसाज करना है। आपको कम से कम 10 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद से मसाज करना है। तो मैं इसे अपने पूरे फेस पे, और आप चाहो अपने नेक एरिया पे पूरा अप्लाई करो, और इसे अच्छे से अपने फेस पे मसाज करो सर्कुलर मोशन में ही। और जैसे जैसे मैं मसाज कर रही हूँ आप उस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास मसाज टूल हो तो फिर आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ, आप टूल का भी यूज़ कर सकते हो, अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो। अपने फेस पे अच्छे से आपको मसाज करना है। इसमें आपको टोटल 5 स्टेप्स रहते हैं, बहुत ही ईजी है करना, पूरा अपना घर पे फेशियल कर सकते हो। आपको पार्लर जाके इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये फेशियल आप एक बार बाय करोगे तो इसमें आप 3 से 4 बार अपना फेशियल आराम से कर सकते हो। और इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से अगर किसी को भी बाई करना होगा तो कर सकता है। और इसकी प्राइस होगी 1000, और आपको हमेशा जैसे मैं मसाज करती हूँ आपको दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही मसाज करना है, आपको ऊपर की तरफ अपने फेस को मसाज करना है। और इस फेशियल में आपको गोल्ड और डायमंड दोनों ही फेशियल आता है, तो मैं दोनों के लिंक दे दूंगी, तो आप लोगों को जो भी बाय करना होगा आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो। देन हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप पे हमारा 24 कैरेट गोल्ड ब्यूटीफाइंग मास्क, ये गोल्ड मास्क है, और इसमें भी आपको छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो आपको हमेशा अपने ऊपर की तरफ मास्क अप्लाई करना है, और मास्क आपको अपने आईज एरिया और माउथ एरिया के पास अप्लाई नहीं करना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने आईज एरिया और माउथ एरिया के पास से अवॉइड करना मास्क अप्लाई करना, तो मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। और इसमें आपको छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं। और इस मास्क को हम 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने देंगे ताकि वो अच्छे से पूरा ड्राई हो जाए आपके फेस पे, और इसके बाद से हम अपने फेस को वाइप आउट कर लेंगे।
देन मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर की हेल्प से ही वॉश कर लिया है। और फेशियल करने के बाद से ध्यान रहे कि आपको दो दिन तक कोई भी फेस वॉश, स्क्रब, फेस पैक कुछ भी अप्लाई नहीं करना। आपको प्लेन वाटर की हेल्प से अपने फेस को वॉश करना रहता है और आप बिल्कुल भी धूप में नहीं जाना फेशियल करने के बाद से। मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो। देन हम चलते अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ, जो कि लास्ट स्टेप है हमारा। ये हमारा लास्ट स्टेप है, जो कि है 24 कैरेट गोल्ड प्लस स्किन रेडियंस जेल। ये जेल है, आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है और अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना जब तक वो आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया और इसे बहुत ही लाइट हैंड की हेल्प से 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करेंगे। और इस फेशियल को आप 2 से 3 महीने में एक बार कर सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप चाहो तो फेशियल करने से पहले आप ब्लीच भी कर सकते हो आपके फेस पे, फेशियल हेयर हैं तो। और फेशियल करते टाइम अगर आप चाहो तो टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स है तो फिर आप टूल का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सो गाइस, हमारा फेशियल कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लॉन्ग वाले वीडियोज़ को पूरा देखो। लॉन्ग वाले वीडियोज़ को भी भर भर के प्यार दो, कमेंट करो, लाइक करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी देखनी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये भी कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।